मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। इस प्रसिद्ध कहावत को सच कर दिखाया है 24 साल के एक ऐसे दृढ़ संकल्पी युवा ने, जिसे आज सारा जहान नीरज चोपड़ा के नाम से जानता है। हरियाणा के एक छोटे से गांव खंदरा के किसान सतीश कुमार और सरोज देवी के घर 24 दिसंबर 1997 को नीरज का जन्म हुआ। नीरज खाने पीने की वजह से शुरू से ही बहुत हेल्दी था, मोटा था वो। लाड प्यार भी था जी सारे कुनबे का, दादी का बड़ा लाडला था। खाने पीने में रखा कर दे, दूध मलाई खाया करे था। उसके शरीर को डालने के लिए ही जिम ज्वाइन करवाई। फिर पानीपत स्पोर्ट्स स्टेडियम का ये जिम ही वो जगह थी जहां नीरज ने पहली बार जेवलिन देखा, छुआ और उसे अपने हाथों से अपने बेहतर भविष्य की तरफ उछाल दिया। पहली बार जेवलिन फेंका और जैसी ट्रेनिंग शुरू की, उन्हें मन में ऐसे बैठा लिया था कि हाँ मुझे ये स्पोर्ट करना है। हमने इसे जेवलिन थ्रो करवा के देखा तो उसके अंदर हमें महसूस हुआ कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी। नीरज ने जो पहली बार बताया जेवलिन थ्रो के बारे में तो जी खुशी हुई थी। इतना करने के सक्षम नहीं थे उस टाइम में, करेंगे मदद जहां तक हमारे से होगी। इस गांव के छोरे पर जैवलिन थ्रो का फितूर इस तरह हावी हो गया कि वो कई कई घंटों तक इंटरनेट पर चेक रिपब्लिक के रिटायर्ड एथलीट इएन जेलेंजी के पुराने वीडियो देखता रहता और उन्हीं की तरह खुद को निपुण बनाने की कल्पना करता रहता। लेकिन इस कल्पना को सच कर दिखाने के लिए जिन सुविधाओं की जरूरत थी वो नीरज के पास नहीं थी। ऐसे में इंडियन आर्मी नीरज के लिए संकट मोचन बनकर आई। मैंने 2016 में आर्मी ज्वाइन की थी और उसके बाद से मतलब मेरा फोकस तो स्पोर्ट्स पे ही है पूरा। खुशी तो थी लेकिन उसके पीछे ये भी था कि भी अपने परिवार की जो हालात हैं, जितने खर्चों से हम ये था कि भाई उसको पूरा कर पाते थे सारे भाई मिलके, तो उनसे थोड़ी हमें निजात भी मिलेगी और परिवार के हालात भी सुधर जाएंगे। अच्छी नौकरी और बेहतर ट्रेनिंग मिलने से नीरज की इंटरनेशनल लेवल के एथलीट बनने की उम्मीद फिर से जी उठी। लेकिन एक बार फिर से उनकी मंजिल उनसे दूर हो गई जब अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलते वक्त उनकी कलाई टूट गई। उसकी इंजरी की वजह से 4-5 महीने तक मैं जेवलिन से दूर रहा, के बीच में जो था काफी मुश्किल टाइम था और काफी दिमाग अपसेट रहता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैंने जब स्टार्ट किया तो अच्छे से वापसी हुई। अपनी चोट से उबरने के बाद 2016 में साउथ एशियन गेम्स में नीरज ने अपने जेवलिन से 82.23 मीटर की दूरी नापते हुए अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में नीरज ने जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए अपना दूसरा गोल्ड जीता। 2017 की एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप अपने नाम करने के बाद नीरज ने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू करते हुए 86.47 मीटर के साथ जैवलिन थ्रो में कॉमनवेल्थ गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। इसी साल नीरज ने दोहा डायमंड लीग में 87.43 मीटर पर भाला फेंककर नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया और जकार्ता में एशियन गेम्स के मंच पर 88.06 मीटर के साथ अपना ही कीर्तिमान सुधारते हुए गोल्ड हासिल किया। इस जबरदस्त फॉर्म के चलते नीरज और उनके कोच को पूरा विश्वास था कि वो जल्द ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन फिर एक बार उनकी दाई कोहनी में चोट आने से भारत का ये ख्वाब धुंधला नजर आने लगा। मैं जब 2019 के कंपटीशन की तैयारी कर रहा था वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह की, तो वहाँ पे एल्बो में इंजरी हुई थी और उसके बाद से ही मतलब पूरा 2019 में मैं कोई कंपटीशन खेल पाया था। नीरज ने इस बार अपनी चोट से उबरने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया और उसी साल साउथ अफ्रीका में एथलेटिक सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट मीट के दौरान 87.86 मीटर का थ्रो लगाते हुए टोक्यो ओलंपिक के क्वालिफाइंग राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली।
ओलंपिक के लिए आशा अच्छी करके जाएंगे कि वहाँ पे अच्छा मेडल जीतें। टॉप स्कीम जो बनाई है, जो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की जो सुविधाएं हमको धीरे धीरे करके मिले।